नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छी मुबापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर रही है और सबू तमाम खबर पर आलोचना करवा कि प्रथम नजर पकई ना आज बड़ खबर पर ढेंकानाळ जिला कामाख्या नगर ब्लॉक कपिलेश्वर में महाडम्बर में महाशिवरात्रि जागर उत्सव अनुष्ठित किंवदंती कहे नदी मध्य शिवलिंग में कपिल बोली गोटे गाई प्रत्येक दिन आसी क्षीर देउथिला एवं तार मालिक यह देखा सहित समस्त देखा पर शिवलिंगटे मिलता यह अति पुरातन मंदिर 16 शताब्दी मंदिर रामियाल नदी मझे पूजा पाउंट बाबा कपिलेश्वर एपर अति पुरातन आउ नदी मध्य क्योंठी मंदिर ना आखपा अंचल लोकों विश्वास अच्छी एटी जी जहाँ मानसिक कर महाप्रभु समस्त मनस्कामना पूर्ण करते बहु दूर दूरांतर लोक आसती जगर उत्सव और बाबा दर्शन पर सारा दिन उपवास रही राति महादीप मंदिर ऊपर को उठिला उपवास भंग करते महाप्रभु प्रसाद पाई श्रद्धा मैंने निज घर को फेरी सेपरी कंधमाल जिला राइकिया महाशिवरात्रि धूमधाम पालन कर सारा सहर चलचंचल पड़ा मंदिर पूजा गणेश महापात्र एवं कालिया शतपथी चारि पहड़ करते संध्या छु आरंभ करते राति एगारटे चारिपहर सारी मंदिर परिक्रमा करते बारटे शह शह भक्तों मध्य महादीप उठा जाता अच्छा परवर्त खबर को भारतीय संस्कृति परंपरा और धार्मिक चिंता चेतन भगवान शिव शंकर नाम ऊर्धर रही शिवंर अनेक नाम और अनेक पर्वपर्वाणी थी बेले महाशिवरात्रि हूँ शैव धर्मावलम्बी मानक मुख्य पर्व यह दिन शिव मंदिर मानक जगरव्रत आयोजन करें शिवंक महिमा गायन मुखरित होनेक शास्त्र पुराण उत्कल संस्कृति में महादेव पूजा अर्चना क्यों समय काल आरंभ हो तार निर्भर उपस्थान करशार कोण अनुकूल से शैव धर्म कीर्तिराज रही बेले बैपारीगुड़ेक पुरातन शिव मंदिर रही है महाशिवरात्रि उपलक्षे उत्सव मुखर हो उठी पुरपल्ली बैपारीगुड़ विभिन्न मठ मंदिर में शिवरात्रि और जगर जात्रा सब पालित होता बेले केतक स्थान में नाम संकीर्तन और मेला चली देखा मिलता तीन तारु प्रत्येक वर्ष पर धोई धुआ कि भगवान महादेव पूजा अर्चना कर फूल बेलपत्र दुब तापर आलती कराई आलती पर भोग लगा भोग लगा प्रसाद बंटन करापर भक्त मान दर्शन खोलाहेला सेपरी बौद्ध जिलार विभिन्न शैव पीठ से भक्तों समागम होता शिवरात्रि भक्त मैंने निर्जला उपवास और राति सारा उजागर रही बाबा को फूल बेलपत्र निजर मनस्कामना जनते सेपरी सोनपुर जिलार बैद्यनाथ ठारे बाबा कुशलेश्वर मंदिर में प्रबल भक्तों समागम होता देखा मिलता पवित्र महाशिवरात्रि भक्ति और भाव परेश भक्त और भगवान एकाठी होते विभिन्न राज्य भक्त टी नेरा होता है देवों देव महादेव पाखे आम कहूँ कोरापुट जिलार गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कथा भक्तों सह सका सकाल आम हेलाइन ओडिशा टीम बाहरी पड़ते गुप्तेश्वर पीठ को ओडिशार प्रमुख शैवपीठ मध्य कोरापुट जिलार गुप्तेश्वर पीठ मान्यता एक भिन्न जयपुर ठार् प्राय 60 किलोमीटर घंच बण जंगल मध्य गुप्त बाबा गुंफारे विराजमान बाबा गुप्तेश्वर अंका बंका घाटी रास्ता अतिक्रम कर पहुंची बाबा गुप्तेश्वर पीठ को महादेव को दर्शन करने कथबार्ता करते कि भक्तों तेज शुनी चकित हो जाइल कि कोरापुट पर एक अपहंच अंचल राज्य एवं राज्य बाहर जपर छत्तीसगढ़ पंजाब बिहार एवं आंध्र प्रदेश किसी भक्त एठार प्रत वर्ष दर्शन पाई हम तो समस्त भाषा आम बुझीपारू कि भक्ति भाव संपूर्ण बारी होता गुप्त सरा अच्छी 9:30 आसी लाइन में ढाई जे पहुँची ना आन घंटा है फिर आउ 2 घंटा लगे हम लोग जैदलपुर से आए हैं यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है पानी है बिस्कुट दे रहे हैं लोगों को हर जगह व्यवस्था है और जाने में भी तकलीफ नहीं है सबके लिए बहुत अच्छी घंटे में लाइन पे है अभी हम लोग 1-2 घंटे से हैं लेकिन अच्छा हो रहा है हाँ जी जरूर सेपरी संबलपुर जिला नाकटी देवल ब्लॉक अंचल में विभिन्न शैवपीठ गुड़िक महाशिवरात्रि तथा जागर जात्रा भक्तिमय परिवेश मध्य पालित हो जाए ब्लॉक रो कुंजामुरा स्थित बहु पुराणा प्रसिद्ध बाबा वैदेश्वर शिव मंदिर में चलित वर्ष जागर जात्रा अवसर में 5 दिन धरी 24 प्रहरी विश्वशांति नामजज्ञ आयोजित होता यह अवसर में मंदिर बेढ़ा को विभिन्न रंगीन आलोकमाला सुसज्जित प्रत्येक शिव पुराण पाठ कर सेपरी पश्चिम ओडिशार समस्त शिवपीठ महाशिवरात्रि उपलक्षे चलचंचल हो पड़ी छोटर बड़ समस्त शिवपीठ उत्सव मुखर हो पड़ी शिव दर्शन पर सका सका लंबा लाइन लगी तेज भक्त मैंने पूजा सामग्री धरी भोला बाबा दर्शन करते भिड़ को आखि आगे रखी समस्त मंदिर में व्यापक पुलिस व्यवस्था कर सन्धार समस्त शिवालय भक्त मैंने जगर चाड़ा सह उजागर रही है समस्त मंदिर को विभिन्न आलोकमाला सुसज्जित तेज पश्चिम ओडिशार हुमा मानेश्वर मानधाता बाबा संबलपुर बालीबंधार सोमनाथ बुढ़ाराजार कोशलेश्वर
जुजुमार कल्पेश्वर बड़रमार मुक्तेश्वर बुर्लार ईशानेश्वर मंदली आड़ गुडेश्वर मुदीपड़ार जागेश्वर फाटकर महाकालेश्वर भद्रार स्वप्नेश्वर पड़िया बहालर नीलकंठेश्वर धनकोड़ चंद्रशेखर आदि पीठ से धूमधाम महाशिवरात्रि जगर पालित हो जाता। सेपरी महाशिवरात्रि उपलक्षे विभिन्न शैवपीठ मानक भक्तों भिड़ लगि रही है। संबलपुर ठार मात्र 30 किलोमीटर दूर प्राचीन ग्राम टांपरा खेल में तीन दिन धरी शिवरात्रि जगर मेला अनुषित हुए। तेज ग्रामीण केत प्राचीन जानवाप 1870 मसीह प्रतिष्ठा होता प्राथमिक विद्यालय ही तहार उदाहरण संभवतः से समय काशी विश्वनाथ बाबा नाम मेला अनुषित हो पश्चिम ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ लोकनृत्य और गीत भक्तों मुख्य आकर्षण साजि था। सेपरि उत्तर ओडिशार अन्यतम प्रसिद्ध शैवपीठ मयूरभंज जिलार माणित्री स्थित बाबा कखारु बैद्यनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि अवसर में 3 लक्ष ऊर्ध भक्त समागम होता। यह पीठ से रात्र चतुर्थ प्रहर में महादीप देवल उपरक उठुवर गत वर्ष पर व्रती भिड़ लगी निःशुल्क दीप जाड़ा व्यवस्था और सुचिंत प्रस्तुति भक्तों समागम वृद्धि सांगक लक्षाधिक व्रती जगर दीप जाली गोटा जगर व्रती मैंने सका पारंपरिक रीतनीति दीप जाली गुरुवार एक बार उपवास पर प्रतिशोर मानसिक भक्त बा दंडवती लंबा धाड़ी लगी भोर 4 दिवक पहड़ भंगा हुई आड़ती पर बाल्य भोग लगी 5 साधारण दर्शन और पूजा चल रही। सेपरि सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर सहर तथा आखपाख अंचल में विभिन्न शिव मंदिर में महासमर में पालित हो महाशिवरात्रि विशेषकर राजगांगपुर सहर निकटस्थ पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ गौगर मंदिर सहित प्रत्येक शैवपीठ से हजार हजार संख्या में महिला तथा पुरुष भक्त मान समागम पर संध्या समय भक्त मान मनोरंजन विभिन्न मंदिर कमिटी पक्ष भजन संध्या कार्यक्रम तथा अष्टप्रहरी नाम संकीर्तन यज्ञ अनुष्ठित होता। एवं आसवा परवर्त खबर को केन्दुझर जिला बुईपुर ग्राम से घटी अभावन घटना जड़े महिला अन्य जड़े महिला को हत्या कर गांमुंड मंदिर निकट ना पकड़ मृत महिला हेले पारुड़ीपोषी ग्राम रेवती मुंडा खबर पाई घटनास्थल बारिया थाना पुलिस पहुंची घटनार छानबीन कर तेरे मृत महिला स्वामी जड़े ट्राक्टर ड्राइवर होता बेले हत्या कर महिला ट्राक्टर से श्रमिक भाव में कार्य करती हत्या कर महिला स्वामी और मृत महिला संपर्क या सन्देह कर दुईज बचसा होता पर महिला मृतदेह नाल निकट उद्धार हो मृत महिला तंटी में गभीर आघात लगी पुलिस सूचना दी। गत काली राति प्राय 10 समय बिनिका सहर बिनिका पड़ाठे निआरे पोड़ी हो जड़े बहित महिला मृत्यु होता जमापड़ी घटना अनुसार बिनिका पड़ार जितेन्द्र साहू को स्त्री पूजा साहू घरे निआरे पोड़ी हो जाते गुरुतर अवस्था उद्धार करोसी आंबुलांस कि गाड़ी न मिलवर तक एक रिक्सा टली में डाक्तखाना को अणाइला डाक्तर तांकु देखिबा पर मृत घोषणा करथिले किंतु अत्यंत दुखर विषय राति सारा उक्त शबक डाक्तरखाना परिसर रे रिक्सा टली रे पड़ी रहिथिला। सेपटे मृतांक पिता प्रदीप साहू मो झीव को तार शाशु लोके जौतुक तथा मानसिक और शारीरिक निर्यातना दे आसुथिले एवं गतकाली ताकु किरोसिन ढाली निरे पोड़ी मारि देथिबा बिनिका थाना रे अभियोग करिछंती आउ एनै पुलिस एक मामला रुजू करी घटनार अनुसंधान करुछि। सर्वभारत स्तर में पदोन्नति संरक्षण को इच्छाधीन मान्यवर सुप्रीमकोर्ट राय प्रतिवाद में फेब्रुआरी 23 तारीख भारत बंद आह्वान दी जाएगी। यह परिप्रेक्षी में संबलपुर भीम आर्मी यह समर्थन कर संबलपुर बंद पालन आह्वान करी भीम आर्मी पक्ष स्थानीय सार्वजनीन ग्रंथागार सम्मेलनी कक्ष अनुषित सांबादिक सम्मेलन में सूचना दी जाता। भीम आर्मी पक्ष धनपाली छक सिंदूरपंग छक रेमेड छक आदि समस्त अंचल में पिकेटिंग सका संबलपुर रेल स्टेशन में संबलपुर पूरी इंटरसिटी ट्रेन रोक सूचना प्रदान कर लक्षाधिक टंकार कटा शालगुंडी जबत कर पटना वन विभाग पटना रेंज सारापड़ा ब्लक गोरस ग्राम खमणसाही जंगल में चढ़ाव कर लक्षाधिक टंकार शालगुंडी जबत कर पटना वन विभाग केन्दुझर एसीएफ अजय कुमार साहू काठ मफिया मैंने मेसीन करत लग बहु मूल्यवान शालगछ काटि नौता कौन से सूत्र खबर पाई चढ़ाऊ पटना रेंज को सूचना देते पटना रेंजर पवित्र मोहन नायकों नेतृत्व में वन विभाग कर्मचारी मैंने गोरस खमणसाही जंगल में चढ़ाऊ कर 28 गछर कटा गड़गुड़ी को जबत करता बेले सूचना पाई काठ माफिया मैंने घटनास्थल फेरार होती तेज जबत काठ गड़गुड़ आनुमानिक मूल्य 2 लक्ष टंकार ऊर्ध होगी। केन्दुझर जिला बलाणी थाना अंचल में आदिवासी नाबालिका को निशा दे दुष्कर्म अभियोग यह बाहर प्रकाश कले जीवन में मारिदेक धमक देता अभियुक्त आउ एने थाना एक एतला दायर करपा
सूचना अनुजाई गत 16 तारीख में पीड़िता पड़ोसी तथा बलाणी खणी में काम करुवा लीलराम सूर्यवंशी नामक व्यक्ति आदिवासी नाबालिका को निज घर को डकाई दुष्कर्म करिथिला। अभियुक्तर भय रे नाबालिका जनक परिवार निकटरे किछि प्रकाश करिनथिले हेले पर समस्त कथा परिवार निकटरे कहिथिले नाबालिका। पीड़िता को निशा द्रव्य दे गत 2 मास धरी अभियुक्त दुष्कर्म करुवा नै थाना अभियोग होइछि आ नै पुलिस अनुसंधान आरंभ करिथिबा बळे अभियुक्त एबे फेरार रहिछि। लीलाराम सूर्यवंशी मेरा बेटी को रेप किया। अच्छा, वो कहाँ पे घटना है, कहाँ पे घटना घटा है? लीला का रूम के अंदर में। ये कहाँ पे है, उसका घर कहाँ पे? शांति नगर में। ये सर मेरा पड़ोसी वाला लेडीज ने बताया है कि 2 महीना पहले से चल रहा है। आपका लड़की क्या बोली? बोले कि हमको रेप किया है। अच्छा, कितना दिनों से चल रही है ये? 2 महीना पहले से चल रहा है। अच्छा, उसको कुछ डराया धमका जा रहा है क्या? हाँ, उस अगर बता दोगी तो मैं जान से मार डालूंगा। बुलाया था, उसी के घर में था, वो हमको रेप कर उसका दम दौड़ के निकले अपना मर्जी से। पहले की बात, इससे पहले उस बार माँ के साथ मारपीट हुआ था उसी कमरे पर। हाँ, धमकाया था। क्या बोल के धमकाया था? किसी को मत बताना। और केन्दुझर जिला बीजेडी जिला सभापति भावे माधव सर्दार निर्द्वंद्वरे निर्वाचित होती। आज माधव सर्दार केन्दुझर सांसद चंद्राणी मुर्मू और पाटना विधायक श्री जगन्नाथ नायकों सह बहु दलय कर्मी गहन में घटगा स्थित जिला बीजेडी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सभापति पद पर प्रार्थीपत्र दाखल करते। धार्य समय गोटे 30 सुधा अन्य कौन से प्रार्थीपत्र दाखल करनथवा बेले माधव सर्दार को जिला बीजेडी निर्वाचन अधिकारी संजय मिश्र नूतन जिला बीजेडी सभापति भाव घोषणा करते। केन्दुझर जिला विजु जनता दलर सभापति भाव मनोनीत कर सर्वप्रथमे आम राज्य सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। से आशा विश्वास प्रकट कर दायित्व देखते आम जिलार वरिष्ठ नेता विजु परिवार मुख्य बद्रीनारायण पात्र एवं समस्त विधायक एमपी समस्त सहयोग रही जिला नेतृमंडल समस्त सहयोग मुझे निकट चिर कृतज्ञ। जाजपुर जिला धर्मशाला रे बाली माफिया माने बाली एवं पत्थर चालन करथवा बळे बेआइन पिचू प्लांट कथा एबे पदा पाछेछि। पूर्वरु अंजरा ठारे खोला जायतिबा पिचू प्लांट बंद करा जायतिबा बळे एबे पाखरे नूर्चन खोला जायतिबा पिचू प्लांट चर्चा रे विषय होइछि। प्रदूषण संस्था भाबे चिन्हट होइतिबा ए पिचू प्लांट रो मालिक प्रमोद कुमार स्वाई अनाबादी एवं गोचर जमी ठारे निजर सेल को देखे आवश्यक जमी और प्रदूषण विभाग एनओसी तहसील ठार आवश्यक कागज पत्र संग्रह करते। मोट आंकर अर्थ सलासुतरा कले जंगल किसम जमी होती तहसीलदार मत यह सब कार्य करते। तेज तहसीलदार और प्रशासन ने बेआईन पिचू प्लांट देखी चुप रही एवं यहाँ बंद नवेदन में ग्रामवासी मैंने दरखास्त लोक देखाणिया चढ़ाव पर भी प्लांट रो कौनसी प्रभाव पड़ी ना। तुरंत यह प्लांट बंद करा ना आगामी दिन में ग्राम आंदोलन हो ग्रामवासी मैंने चेतावनी देते। बेन पिचू प्लांट तो ये आम हूँ किसी दिन तलु विरोध हूँ पंचायत तरफ हूँ करा से दुनिया प्रकार हूँ रोग हूँ चर्म रोग टू आरंभ कर किडनी समस्या लगि रोज तेणुक पंचायत तरफ विरोध करी बंद करने प्रशासन को तहसीलदार को जना जा तहसीलदार महोदय आसिक सिल करते। सिल करने फल बर्तमान हूँ बेआईन भाव पिचु प्लांट चलुची किंतु आमको तहसीलदार महोदय को आम कहार कथा जे आपण ये दिन राति यहीपट देखिए बाजवाटी मांडिया देखिए जाऊँ डकारी पुणी से पट देखिए फेरुंच कि आप जापार ना ये चलुची कि न चलुची तेणुक आमको आमर आपण को अनुरोध एटी सेमती हूँ पल्यूशन डिपार्टमेंट किसी दिन तले बाजवाटी कसर उपर हूँ रेड करते पल्यूशन विभाग किंतु से दिन रेड कले पुणी संज बेलू चलुची पुणी दिन भी चलुची तेणुक प्रशासन को आमर नवेदन ये जो मात्रा रे परिवेश दूषित होेणुक ध्यान दिंतु आदि प्रशासन एति दृष्टि न दिंती तेल आम आगामी दिन में आम पंचायत तरफ आम हूँ तहसील आगे धारणा देमु एवं हूँ एनजीटी केस फाइल करम। देखो आम यही अंचल पाखर पंचायत रे मांडिया आ सोरे मझेरे जो बेआईन भाव जंगल किसम जमीरे ये पिचु प्लांट दीर्घ दिन धरी रही मझेरे पिचु प्लांट उपर तहसीलदार एवं प्रदूषण विभाग बोर्ड पक्ष चढ़ा करता चढ़ा पर भागी किंतु बंद करते भी पुणी तहसीलदार ताकू दीर्घ धरी दिन धरी चलो बेआईन भाव चलो कही सारी से जो बेआईन चलने
ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଉତ୍କର୍ଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନାହିଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କିଭଳି କ୍ରସରଟା କିଭଳି ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ଖାଲି ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କ୍ରସର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି, କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କଥା ଉଠୁଛି ଗୋଟେ ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ଜନବସତି ରହିଛି, କିଭଳି ସେଠି ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି, ତହସିଲଦାର ତ କେଉଁଠୁ ଆଉଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମରିବୁ ତ ଆମେ ମରିବୁ ନା, ସାଧାରଣ ଜନତା ମରିବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାରକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଭଳି ଖରାପ ତହସିଲଦାର ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଙ୍ଗା ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମନା କରିଛି ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସବୁଠି ହେଲେ ବି କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ହୋଇଯିବ କାରଣ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ତ ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ଏଠି ଭ୍ୟାନିଶ କରନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗିକି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟେ ଯଦି କରିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛି, ମାତ୍ର ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ନାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ ଚାଲୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ମାନେ କିଛି ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଧାସଳଖ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କରପ୍ଟେଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଳସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଳାୟତ କରାଯାଇଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ତଲାବିରା କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଞ୍ଜିକୃତ ସଂଘ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଏକ ନୂତନ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସଭାପତି କିରଣ ବେହେରାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନୂତନ ଅଫିସ୍ ଗୃହକୁ ଜାତୀୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପଣନାତି ଲାଲ ଫକୀର ସାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଏବଂ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଏବଂ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ତରଫରୁ ଆମ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି, କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଜୟପୁର ସମ୍ବାରତୋଟା ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ ଶିବା। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏମ୍ ଶିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଯୋଗେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡାକରଘାଟି ଗଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଏମ୍ ଶିବାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.lnchodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/lnchodisha ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।